में भ्रष्टाचार से जुड़ी बड़ी खबर। इनकम टैक्स के लखनऊ के बड़े अफसर पर एफआईआर दर्ज हुई है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर लिखी है। इनकम टैक्स के अपर आयुक्त अमित निगम पर एफआईआर। भ्रष्टाचार से निगम ने अकूत संपत्ति को कमाया। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में सीबीआई ने एफआईआर लिखी। अमित निगम इस समय लखनऊ में तैनात है। इनकम टैक्स अफसरों के एक से बढ़कर एक कारनामे भी सामने आते रहते हैं। सीबीआई की एफआईआर चौंकाने वाली है। निगम के पास फ्लैट, बंगला, कोठी और बहुत सारी दुकानें हैं। इनकम टैक्स के कई बड़े अफसर सीबीआई रडार पर हैं। इनकम टैक्स के भ्रष्ट अधिकारियों पर सीबीआई का शिकंजा। सीबीआई इनकम टैक्स के बड़े अफसरों को चिन्हित भी कर रही है। और लोकेश हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। लोकेश, और क्या खबर है? देखिए, ये पूरी मामले की जानकारी तब हुई है जब एक डिप्टी एसपी स्तर के अफसर ने एफआईआर दर्ज कराई है अमित निगम के खिलाफ, जो कि इस वक्त लखनऊ में अपर आयुक्त इनकम टैक्स पद पर तैनात है। जानकारी के मुताबिक 2008 का ये पूरा मामला है। उन्होंने मुरादाबाद में तैनाती के दौरान जो है भ्रष्टाचार किया और उससे अकूत संपत्ति कमाई है, और उससे उन्होंने 5 प्रॉपर्टी, क्योंकि एफआईआर में जिक्र किया गया है सीबीआई की 5 प्रॉपर्टी खरीदी गई है, जिसमें दिल्ली के एक जहांगीरपुर इलाके में है। इसके अलावा लखनऊ में 4 प्रॉपर्टी इसी दौरान खरीदी गई है, जिसकी जो पूरी कीमत है वो तकरीबन 8 करोड़ 1 लाख रुपए है। इसकी अगर डिटेल के तौर पर बताएं तो लखनऊ के अंदर जानकीपुरम में इन्होंने 30 लाख का फ्लैट खरीदा है। इसके अलावा एक आम्रपाली योजना हरदोई रोड लखनऊ में तकरीबन 4 करोड़ 22 लाख का, तो उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, 2 करोड़ से ज्यादा का प्लॉट एरिया है वो खरीदा है। इंदिरा नगर लखनऊ के भीतर करीब 2 करोड़ 43 लाख रुपए के जो है वो एक और इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है। और उसके बाद इंदिरा नगर में ही एक सी ब्लॉक में 2024 नंबर जो स्टैम्प ड्यूटी पेड है, तकरीबन 8 करोड़ रुपए की पूरी संपत्ति है। माना ये जा रहा है कि अमित निगम ने, ये जो जांच में बातें सामने आई है कि अमित निगम ने मुरादाबाद में तैनाती के दौरान अपनी संपत्ति कमाई, और ये डिसअप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का मामला है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति जो है जांच में पाई गई है। तो उनके खिलाफ अब कोर्ट के अंदर पहले से ही एक बात चल रहा था, कोर्ट में इस एफआईआर के बारे में जिक्र दिया गया है कि उनके खिलाफ एक और एफआईआर हुई है जिसमें अपनी संपत्ति का मामला है। हालांकि सीबीआई गाजियाबाद के तीनों कोर्ट फिलहाल जजों की नियुक्ति न हो पाने के कारण खाली चल रही है, लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आगे चलती है। ये पूरी एफआईआर एंटी करप्शन ब्यूरो गाजियाबाद में 22 सितंबर को दर्ज की गई है, और उसी की एक रिपोर्ट जो है वो कोर्ट दाखिल की गई, फिर उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया है। अब इस पूरे प्रकरण में एक जांच भी चल रही है, और जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स आई है इसके आधार पर जो उनके खिलाफ पहले केसेस हैं प्रचलित हैं, जांच जो विचाराधीन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए।